नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कुछ बातें मैं करने के लिए आया हूँ आपके पास, जिसमें मैं सोचता हूँ कि आज के दिनों में जो सफलताएं मिलती हैं, ये महज इत्तफाक की बात नहीं है दोस्तों, कि दुनिया में जो भी कमाई है उसका 96%, 96% जो है केवल 4% लोग कमाते हैं, और 4% की जो कमाई है 96% लोग करते हैं। तो साथ ही हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ सिस्टम क्या होता है। निश्चित तौर से आज आत्मविश्वास की बात करेंगे कि आत्मविश्वास क्या कर सकता है। साथियों, जितना ज्यादा आपका आत्मविश्वास होगा, उतना ज्यादा आप मजबूत इरादे के साथ काम करेंगे और उतनी ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 शब्दों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, जिंदगी आपकी बन सकती है 3 शब्दों में। सबसे पहले आप उसको सोचना शुरू करिए। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसको सोचना शुरू करिए। फिर उस पे विश्वास करना भी सीखिए, भरोसा करना भी सीखिए। जब विश्वास हो जाएगा कि ये चीज मैं कर सकता हूं, तब आप उस पे अमल करिए। इसलिए पहला चीज आपको सोचना है, विचार करना है, और दूसरा चीज उस पे आपको भरोसा करना है। और जब भरोसा कर लिए तो फिर उसको अमल करना है, उस कार्य योजना पे अमल करना है। निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। तो एक गुरुजी जो है नदी के उस पार आश्रम रहता था। तो एक छोटी सी बालिका नदी के इस पार से उसके यहाँ पढ़ने जाती थी। तो एक दिन उनकी माँ ने कहा कि बेटा गुरुजी से बोलना। और जब वो पढ़ने जाती थी तो रोज एक लोटा दूध लेके जाती थी गुरुजी के लिए, क्योंकि पहले आपने फीस वीस रहता नहीं था। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आखिरी में कुछ दे दी अपनी गुरु दक्षिणा, तो ठीक है। लेकिन वो बालिका जो है एक लोटा दूध डेली गुरुजी के पास लेके जाती थी। तो एक दिन बरसात के समय का है बात, तो उसकी माँ ने कहा बेटा गुरुजी को बोलना कि ये दूध थोड़ा सा संभाल के रखेंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में नदी में बाढ़ आ जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। इसलिए गुरुजी को आप बोलना कि ये दूध को थोड़ा बचा के रखेंगे और उसी का सेवन करेंगे। तो जब बालिका अगले दिन गुरुकुल गई और गुरुजी के पास बोली कि गुरुजी माँ ने बोला है कि ये दूध जो लाया लाई हूँ मैं लोटा में, इसको थोड़ा बचा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कल नदी में बाढ़ आने वाली है और मैं नदी पार करके आ नहीं पाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है बेटी, चिंता करने की बात नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र का जाप करते हुए तुम आ जाना। जब मंत्र का जाप करोगे तो तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम उस नदी पर चलते हुए भी पार करके आ जाओगे। तो घबराने की कहीं जरूरत नहीं। अब उस बालिका को गुरुजी पे अटूट विश्वास था, उनके मंत्र पे अटूट विश्वास था। गुरुजी ने उनके कान में एक मंत्र दिया, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इसका जाप करना करके बालिका आ गई। अगले दिन उस गुरुजी पे अटूट विश्वास करके, उस मंत्र पे अटूट विश्वास करके उस मंत्र का जाप करने लगी। अगले दिन सुबह जब वो दूध लेके जा रही थी उस मंत्र का जाप करते हुए, तो वो नदी पार करके गुरुजी के पास आ गई। जब गुरुजी के पास आएगी आ गई, गुरुजी को प्रणाम करी, तो गुरुजी को आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी बोले ये क्या चमत्कार हो गया, मेरा मंत्र चमत्कार हो गया। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और बालिका को खुशी खुशी विदा किया। बालिका फिर मंत्र का जाप करते हुए नदी के इस पार अपने माँ के यहाँ आ गई। जब वो बालिका चली गई तो गुरुजी बोले अरे ये तो गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, क्यों ना मैं भी इस मंत्र का जाप करते हुए नदी में पार करूं। और जैसे ही गुरुजी ने सोचा कि नदी में पार करूं, तो गुरुजी भी उस मंत्र का जाप करते हुए नदी में जाने लगे। और जब नदी में जाने लगे, बीच पानी में आए, तो वो नदी में डूब गए, नदी में डूब गए, नदी का बहाव उनको पार करके ले गया। जी हाँ दोस्तों, वो गुरुजी इसलिए डूब गया क्योंकि उनको उनके मंत्र पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, उनमें अटूट विश्वास नहीं था। वो चमत्कारी तौर से सोच रहे थे कि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे काम कर सकता है, जबकि उस बालिका को अटूट विश्वास था उसके मंत्र पे, इसलिए वो सफल हुई। और गुरुजी को अपने ही मंत्र पे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए वो फेल हो गए और नदी में डूब गए। ये हमें सीख देती है कि जब हम कोई कार्य करें तो आत्मविश्वास के साथ करें, भरोसे के साथ करें, पूरी काबिलियत के साथ करें, तो निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए इसे सीखते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमको उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, और भरोसे और विश्वास के साथ उस पर अमल करना है,
उस पर कार्य करना है, तो निश्चित तौर से जब कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इन पंक्तियों के साथ आज विदा लेता हूं आपसे कि हर एक व्यक्ति खास होता है, हर एक व्यक्ति खास होता है, कुछ न कुछ उसके पास होता है, किसी को खुद पे, किसी पे खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलती है जिसके ऊपर खुद का आत्मविश्वास होता है, खुद का आत्मविश्वास होता है। बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा हौसला अफजाई करिएगा। फिर किसी दिन कुछ अलग वीडियो लेके मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।